सो आप में से मुझे कौन बताएगा कि रेलगाड़ी की हिंदी क्या होती है? बैलगाड़ी लौपत गामिनी. वेरी गुड. गोल गट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता के लिए ना जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए. हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टिकट. हिंदी दिवस का ये खास मौका है और ऐसे खास मौके पर जो हमारी ऑडियंस है उसने हम तक एक अपना विचार पहुंचाया और कहा कि यार आप हिंदी दिवस तो मना रहे हैं लेकिन जो हमारी यूथ है वो हिंदी से थोड़ी जो डिस्कनेक्ट हो रही है उसका क्या करेंगे? इस बात में कितनी सच्चाई है, हमारा यूथ क्या सच में हिंदी से डिस्कनेक्ट होते जा रहा है, ये बातें जानने के लिए हम आज अपने स्टूडियो से बाहर निकल कर आ गए हैं और आज हम मौजूद हैं एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के स्टूडेंट्स के पास. उन्हीं से हम जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या सोचना है और साथ ही उनके साथ खेलेंगे कुछ फन गेम्स जिसके जरिए हम आपको बता देंगे कि वो हिंदी के बारे में क्या सोचती है और उनका हिंदी से कैसा लगाव है. तो चलिए शुरू करते हैं. हम यहाँ के स्टूडेंट से सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो कमेंट है कि यार जो आज की यूथ है वो हिंदी से डिस्कनेक्ट होते जा रही है, इसके बारे में उन लोगों का क्या सोचना है. तो हमारे पास सबसे पहले कौन बताना चाहेगा आप में से? मेरा नाम ऋतिक है, मैं आगरा से हूँ. और जैसे कि मैम का क्वेश्चन था कि यूथ है ना डिस्कनेक्ट हो रही है हमारी हिंदी से, हाँ ये ट्रू है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि हमको इंग्लिश आनी चाहिए, वो शेमफुल करते हैं हिंदी को बोलने में. इवन इन स्कूल टीचर्स टॉट इंग्लिश, नॉट इवन हिंदी, बट यूथ, यहाँ की यूथ ज़्यादातर इंग्लिश में बोलती है, हिंदी को यूज़ नहीं करती है, और जबकि हिंदी हमारी एक मातृभाषा है. तो मुझे लगता है कि आजकल हिंदी लोग एकदम भूल गए, लोग अपना स्टैंडर्ड समझते हैं इंग्लिश बोल के. लोगों के सामने अगर आप हिंदी बोले तो ऐसे सोचते हैं इसे कुछ नहीं पता है, उसे काफ़ी बैकवर्ड समझा जाता है. और हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है लेकिन उसे याद करने के लिए हमें ये दिवस मनाने पड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से हमें हिंदी को और आगे बढ़ाना चाहिए. सो हमने यहाँ पर स्टूडेंट से ये तो जान लिया कि इस पर ओपिनियन क्या है इन लोगों का, लेकिन अब बारी आती है कि हम अपने फन सेशन की तरफ आगे बढ़ें. और इस फन सेशन में सबसे पहला जो गेम होने वाला है वो ये होगा कि आपको इंट्रो देना है 40 सेकंड्स तक, ठीक है? बट मेन चीज़ ये है कि इंट्रो आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बोलना है, एक भी वर्ड आपका उसमें इंग्लिश का या फिर इंग्लिश का नहीं होना चाहिए, ठीक है? 40 सेकंड्स का आपको टाइम मिलेगा और टाइमर मेरे पास है, मैं उसे ऑन करूंगी और फिर उसके बाद आपको बोलना शुरू करें, ठीक है? कहाँ से शुरू करें, वहाँ से करें या फिर यहाँ से? मेरा नाम एकता है, मैं संगम विहार में रहती हूँ और मैंने अपनी 12वीं पास करी है, उसके बाद मैंने उसे छोड़ा भी है पहले साल में. और मेरे दो भाई हैं और मेरे मम्मी पापा मतलब हाँ है, और मेरी मम्मी का नाम संजू देवी है और मेरे पापा का नाम सुरेश कुमार है. और मेरे बारे में, और हाँ मैंने नौकरी भी करी है एक साल. नमस्ते, मेरा नाम नवीन है, मैं बनारस से रहने वाला हूँ और मुझे संगीत सुनना पसंद है, मुझे चलचित्र देखना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है, मुझे नई नई चीज़ों को समझना पसंद है, मुझे पढ़ना भी पसंद है. मेरा नाम आकांक्षा है और मेरी रुचि घूमने फिरने में है और हाथ से कढ़ाई करने में है, और मैंने अपना स्नातक जो है BBA से किया है और अभी मैं यहाँ पे आगे की पढ़ाई के लिए अपनी आई हूँ. और साथ ही साथ मुझे खाना बनाना भी काफ़ी पसंद है और मैं एक एकल फैमिली से बिलोंग इट्स ओके, कोई बात नहीं, एकल फैमिली से संबंध रखती हूँ. मेरा नाम तनु श्रीवास्तव है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ. मैंने अपने ये BA इतिहास से किया, फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें दिलचस्पी रखती हूँ इस कॉलेज में, तो फिर मैं यहाँ आई और मुझे सोना बहुत पसंद है और मुझे खाना बनाना पसंद है, मुझे खाना खाना पसंद है, मुझे अपने परिवार के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पालतू जानवर बहुत पसंद है, मुझे कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं उनके बच्चे, और मैं चित्र भी बनाती हूँ और मुझे संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है. नमस्कार, मेरा नाम जूही कुमारी है, मैं झारखंड से हूँ. मैं बहुत सारी चीज़ों में रुचि रखती हूँ पढ़ाई लिखाई के अलावा, जैसे कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, ये लोग मेरे हाथ का खाना खाना बहुत पसंद करते हैं, और मैं चित्रकला करती हूँ, मैं कथक नृत्य भी करती हूँ,
और मुझे घूमना फिरना भी बहुत पसंद है और मैं 2 साल से दिल्ली में रह रही हूँ और मैं काफ़ी घूम फिर चुकी हूँ और यहाँ पे मौसम बहुत गर्मी है। काफ़ी जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने, बट कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे बोलना चाहती थी पर जल्दी जल्दी हो गया। देखिए इन्होंने जल्दी जल्दी तो बोला लेकिन बहुत अच्छा बोला। हाँ बहुत, आपके जो आपका इंट्रोडक्शन था ना इसमें इंग्लिश का तो कोई वर्ड नहीं था, तो एक बार इनके लिए ना जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। तो अभी आपने देख लिया ये इंट्रो वाला जो इन बच्चों का सेशन था, बहुत फन था, बहुत अच्छा था। अब हम आ गए हैं अब इनकी हिंदी टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अभी हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, तो सबसे पहला सवाल है कि आपको मुहावरे में बोलूंगी और आपको उसका मीनिंग बताना है, ठीक है। नहीं नहीं हिंदी में ही बोलना है, सब कुछ हिंदी में होना चाहिए। कागजी घोड़े दौड़ाना, आपको इसका मीनिंग बताना है। यूजलेस स्टफ के बारे में बात करना, ठीक है। बिल्कुल सही, इन्होंने सही जवाब दिया। प्लीज़ एक बार क्लैपिंग। उसके बाद जो दूसरा मुहावरा है वो है अढ़ाई दिन की हुकूमत, आप में से कौन बताना चाहेगा? अढ़ाई दिन की हुकूमत, वी कैन से दैट कि एक टेम्प्रेरी अमाउंट ऑफ टाइम के लिए कोई काम करना, हुकूमत लाइक उतने दिन के लिए बस। हाँ साक्षी, ठीक है, बिल्कुल सही बोला। इनके लिए भी प्लीज क्लैपिंग कर दीजिए। सो मुहावरों के बाद अब हमारे पास दो ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, हम उसकी हिंदी में इनसे मीनिंग पूछने वाले हैं, ठीक है। रेडी? सो आप में से मुझे कौन बताएगा कि रेलगाड़ी की हिंदी क्या होती है? रेलगाड़ी। लौपतगामिनी। वेरी गुड। रेलगाड़ी यानी कि लौह पथ गामिनी, इन्होंने बहुत सही बताया। अब जो दूसरा वर्ड है वो है क्रिकेट, क्रिकेट की हिंदी बता दी, सबको पता है। चलिए आप बताओ। गोल गट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता। वाह। सो आप सबसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा कि जो हमारी यूथ है वो इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक है और साथ ही हिंदी के बारे में इतना कुछ जानती है। सो यूथ से बात करने के बाद तो अब आपका ओपिनियन बन गया होगा कि हिंदी से ये डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं या फिर और ज़्यादा इनका कनेक्शन बनते जा रहा है। सो आपको ये सेगमेंट कैसा लगा और इस सेगमेंट का कौन सा भाग आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसे ही एक जानकारी भरी वीडियो के साथ, ऐसे ही एक फन एक्टिविटी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। स्टे ट्यून्ड टू NBT टिकट।